क्लास 10th रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.4 जो है आपका वो सॉल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखने के लिए आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिएगा। तो आपको 13/3125 आपको जो वैल्यू दी है यानी कि 13/3125 इसमें आपका उसको अभाज्य गुणनफल आपको इसका दिखाना है। ठीक है, पहले एक्सपेंशन दिखाने के लिए क्या करेंगे आप, इसका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो आपको आप एलसीएम मेथड से इसको कर सकते हो सॉल्व। तो 3125 को जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5 × 5 × 5 यानी कि 5 टाइम्स आपको 5 मिलेंगे। और आपको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 to the power 5। तो आप कह सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसको आप 5m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रसार यानी कि एक्सपेंशन दिखाने के लिए आपको इसको 2 × 5 2 to the power m या 5 to the power m के फॉर्म में इसको आपको लाना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आपने इसका फैक्टराइजेशन देखा तो आपको 2 तो नहीं मिला लेकिन यहाँ आपको 5 to the power m यानी 5 आपको मिल रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा जब हम इसे फाइनली फैक्टराइज करेंगे। ठीक, अब अगर हिंदी में बात करें तो किसी परिमेय संख्या को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं तो q का जो अभाज्य गुणनफल होता है वो 2 to the power n यानी 2 के जो पावर रखते हैं उसको m और 5 का भी जो वर्ग बनाते हैं यानी कि n होता है इसके रूप में लिखना है आपको। तो m और n जो यहाँ पे हमने लिखा है वो ऋणेतक पूर्णांक आप समझ सकते हैं, हिंदी में आप जानते होंगे ऋणेतक पूर्णांक बोलते हैं उनको। तो उनका जो प्रसार लिखना है वो हमको कैसे लिखना है, अगर 3125 यानी कि 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आपको 5 बार आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगी ये संख्या। तो इसका मतलब आप इसका फैक्टराइजेशन यानी इसका गुणनखंड निकालने पे आप इसको 5 to the power 5 लिख सकते हैं। ठीक, और इसका प्रसार शांत तरीके का होगा, हम टर्मिनेटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, आप हिंदी में कहेंगे शांत प्रकार का होगा। इसी तरह से पॉइंट 2 पे जब हम आते हैं तब हम देखते हैं कि आपको 17/8 यानी कि 17/8 आपको संख्या मिली है। तब इसमें आपका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो आपका हर है वो 8 है यानी कि 8 है। तो 8 को जब आप फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं इसका, तो 2 × 2 × 2 आता है यानी 2 to the power 3। ठीक है, इस तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power m के फॉर्म में मिल रहा है जिसके कारण से ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कम्प्लीटली टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, और हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power 3 होगा, इसलिए क्योंकि इसका गुणनखंड 2 to the power m के रूप में हमको मिल रहा है इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि आपको जो वैल्यू मिली हुई है, जो मूल्य मिला हुआ है वो है 64/455 यानी कि इंग्लिश में अगर आप कहना चाहेंगे तो 64/455। अब इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं यानी कि गुणनखंड निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको, 4 × 7 × 13 हिंदी में 4×7×13। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 4 × 7 × 13 यानी कि 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि 7 भी है, 13 भी है, 4 भी है, आपको 4 में 2 तो मिल जाएगा, 2 to the power 2 मिल जाएगा, लेकिन अब जब आप 7 × 13 को करेंगे तो ये आपको 5 to the power या 2 to the power n के फॉर्म में नहीं मिलेगा, जिसके कारण से आप लिख सकते हैं कि जो इसका फैक्टराइजेशन है वो आपको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं देगा, जिसके कारण से इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर होगा। हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो 455 का जो अभाज्य गुणनफल आएगा आपको करने पर, फैक्टराइजेशन करने पर यानी कि आप जो लघुत्तम समापवर्तक विधि से निकालते हैं तो आपको गुणनखंड मिलता है 4 × 7×13। ठीक है, जब आप इसका गुणनखंड अगर हम 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। 2 to the power m तो अब चलो मिल जाए आपको कि 4 से अगर आप गुणनखंड निकालना चाहेंगे तो 2 × 2 मिल जाएगा आपको, लेकिन 7 × 13 में आप कहीं भी देख नहीं पा रहे हैं कि 5 आया है। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत या आवर्ती होगा। ठीक है,